एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उम्दा होंगे। एंड अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, ये मुमरा बाईपास रोड जो फ्लाईओवर बन रहा था वो मुकम्मली तौर पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड यहां से आप देख सकते हैं बैक साइड से गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं? हजारों पैसे खर्च करने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं मिला है? तो यूज़ करें मॉम्स मेड मैजिकल वेट लॉस फार्मूला, प्योर नेचुरल फार्मूला, नो केमिकल, नो स्टेरॉइड्स, 100% रिजल्ट्स। इसके बनने के बाद चीज़ों में कितनी तब्दीली आई है, इसके क्या प्लस पॉइंट रहे या क्या ड्रॉबैक पॉइंट रहे, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा देखिएगा। मैं इस रोड का आपको टूर भी कराऊंगा, मुमरा बाईपास रोड का, एंड इससे रिलेटेड जो टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टूर को। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने मुमरा में एक फ्लाईओवर का निर्माण किया और सड़क को चौड़ा करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिसकी अनुमानित लागत 90 करोड़ है। इस स्कोर पर MMRDA ने NH4 पर मुमरा बाईपास जंक्शन पर फ्लाईओवर के निर्माण और विस्तारित मुंबई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट MUIP के तहत सड़क को चौड़ा करने के लिए ई टेंडर आमंत्रित किए थे। ये परियोजना राजमार्ग और स्थानीय यातायात को अलग करने में मदद करेगी। 540 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा 3+3 लेन फ्लाईओवर एटलांटा टोल नाका से मुमरा में भारत गियर कंपनी तक बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 ठाणे जिले के शहरी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सड़क है। ये राजमार्ग मुमरा वाई जंक्शन, शील फाटक, कल्याण फाटा जंक्शन से होकर गुजरता है। मुमरा वाई जंक्शन पर MMRDA द्वारा निर्मित 3+3 डुअल कैरिजवे लेन फ्लाईओवर JNPT और गुजरात जाने वाले ट्रैफिक से भारी ट्रैफिक को अलग करेगा। इससे ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिलेगी। फ्लाईओवर JNPT और गुजरात सीमा से आने वाले भारी कंटेनर यातायात के लिए उपयोगी होगा। मुमरा शहर से आने वाले स्थानीय ट्रैफिक से होने वाली भीड़भाड़ से भी बचा जा सकेगा। इस उद्देश्य से ये 28 पिलरों वाला फ्लाईओवर बनाया गया है। अब बात की जाएगा ड्रॉबैक पॉइंट की, तो ये फ्लाईओवर बनने के बाद ट्रैफिक में काफ़ी कुछ सुधार आया था, बट कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि उसके बावजूद, फ्लाईओवर के बावजूद भी ट्रैफिक जाम हो गया। एंड ऊपर की तरफ भी हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक था, नीचे के जो रोड है उसकी तरफ भी हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक था। तो मेरे ख्याल से जो हैवी व्हीकल्स हैं उन्हें फ्लाईओवर का ही यूज़ करना चाहिए, नीचे का जो रोड है उसे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके यूज़ के लिए रखना चाहिए शायद, तो ज़्यादा बेहतर है और इस फ्लाईओवर का प्रॉपर तरीके से यूज़ हो पाए। एंड इस फ्लाईओवर के साथ जो शील फाटा सर्कल पर जो ट्रैफिक का हुजूम लगता है वो सबसे बड़ा यहाँ का ड्रॉबैक पॉइंट है, वो ट्रैफिक खींचता हुआ यहाँ तक आ जाता है। तो इस फ्लाईओवर के साथ साथ वहाँ पे भी जो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से काम उसका स्टार्ट होना चाहिए और वो मुकम्मली तौर पर कम्प्लीट होना चाहिए, जिससे ये जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो पूरी सीरीज़ में ही सॉल्व हो पाएगा, बिकॉज शील फाटा सर्कल पर फ्लाईओवर की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज़ वहाँ से ही ट्रैफिक ज़्यादा जाम होना स्टार्ट होता है। तो मेरा मानना ये है कि शील फाटा का जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसके ऊपर गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और वहाँ का निर्माण कार्य स्टार्ट करके उसको तैयार कर देना चाहिए, जिससे एक बार में ही पूरा प्रॉपर ट्रैफिक का सॉल्यूशन निकल पाएगा। एंड उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द और भी जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट हो पाएँ, तो जिससे जो प्लान किया गया है वो प्रॉपर तरीके की शक्ल इख्तियार कर सके। तो ये था यहाँ का ड्रॉबैक पॉइंट। एंड रही बात एडवाइस की, तो यही कि जिस तरह से इस फ्लाईओवर को बनाया गया है उसी तरह से इसे मेंटेन भी किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, वरना आगे जाके बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, चीज़ें जर्जर हो जाती है या उनका मिसयूज़ होने लगता है, तो वो चीज़ें ना होना चाहिए। पब्लिक को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए एंड गवर्नमेंट को भी। तो ये थी अब तक की इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड आगे भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आती है इस रूट की या कोई भी प्रोजेक्ट की तो मैं आप लोगों तक वो पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।